दोस्तों तुहाडा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनकलूजिव एजुकेशन। अज का टॉपिक जरा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के विषय तो हट के है कि सिद्धू मूसेवाल के कतल ने पंजाबी संगीत में एक युग का भी अंत किया। अज इस पर कुछ विचार पेश करांगा। इस वीडियो कुछ लंबी है पर अखीर तक जरूर सुनना ता जो तुहानू पता लगे कि सिद्धू मूसेवाल की लिखनी विच सोच और की काम करती सी ते किस तरह का वह लिखता सी ते की और विचार सन। जेकर तुसीं इस चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन जरूर दबो ता जो हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। सर पिछले दिन ही मैं सिद्धू मूसेवाल के कुछ गीतों नूं वार वार सुनिया। भावें कि मैं सिद्धू मूसेवाल का फैन नहीं सी पहलों पर उसकी मौत तो बाद जिस तरह कि वीडियो क्लिप सामने आने लगे तो मेरा रुझान भी कुछ होया कि इस नौजवान की जी गीत की शैली की सी उसनों मैं वार वार सुनिया उसके वीडियोज़ में ध्यान वेख्या ता कि उसनों डूंघाई समझ सकाँ कि वह कहना की चाहता सी अतें समाज में की सेध दे रहा है क्योंकि उसकी नुक्ताचीनी बहुत हो रही थी। मेरी समझ यह बनी है कि उसने अपने गीतों में जिहड़ा काव्य पात्र सिरजिया है वह इकल्ले मूसेवाल का ही नहीं बल्कि उस वड्डे किसान नौजवान वर्ग की प्रतिनिधता भी करता है जिहड़ा हरे इनकलाब की उतराई के समय में अपना नायकत्व गवाचता होया महसूस करता है। वह नौजवान अपनी नायकी वाली पछाण नूं मुड़ सुरजीत करन लई एक आखिरी हमले मारदा नज़र आउंदा है। उसकी मनसा है कि उसका नाँ पहलां दी तरह ही डालरां वांग चले पर हुण उह संभव नहीं रहा। फिर भी वह अजे आशीन नहीं है उस कोल अपनी नाबरी दीआं यादां हन पैसे असले रोब तकड़े जुस्से आदि वर्गियां शक्तियां नूं हासिल करके वह मुड़ व्यक्ति विशेष होना लोजदा है। उसनों इस गल का सहज बोध है कि इस राह ते तुरदिआं भावें सत्ता मिले भावें मौत पर नायकत्व जरूर हासिल होवेगा। इस किस्म की सोचने वाला पंजाब विच वड्डा वर्ग है जिसनों मूसेवाले दे गीतां दा नायक अपने भावां की तर्जमानी करता जाप रहा। सो अज दा मेरा विषय सिद्धू मूसेवाल दे कतल ने कि पंजाबी संगीत विच एक युग का भी अंत किया। सिद्धू मूसेवाल ने दो समांतर पर वक्खरियां पंजाबी संगीतक परंपरावां नूं मिलाया जो बहादुरी अते शक्तिशाली गायकी दे थम्म हन। फिर उसने उन्हां नूं पछमी रैप दे नेड़े खड़न की कोशिश की क्योंकि अज दा नौजवान वर्ग रैप नूं पसंद करता है कुछ हट के सुनना चाहता है जो कि अपनी जी उसने गायकी दे विच इस शैली नूं अपना आधार बनाया क्योंकि वह जो कनेडा गया उसने उत्थे वेख्या कि नौजवान वर्ग की पसंद करता है तो किहड़े गीत ज़्यादा सुन रहा है। तो इस तरह उसने अपने पंजाबी संगीत नूं एक वक्खरा अंदाज पंजाब पछमी रैप दे विच लिआउण दी कोशिश की। 27 साल सिद्धू मूसेवाल दे कतल ने पंजाबी परंपरा विच एक गायकी दे युग दा अंत हो गया है। उस तो पहला कोई भी गायक या गीतकार पंजाब दे विभिन्न संगीतक परंपरावां नूं जोड़ के उन्हां नूं पछमी रैप शैली दे नेड़े नहीं लिआ सके भावें कि कुछ गायकों ने कोशिश तो की पर वो विच विच ही रैप लिआउंदे सी पर पूरा गीत एक रैप की शैली च कोई नहीं लिआ सकिआ। कुदरती तौर पर लोग उसकी हत्या तो बाद सत्ता विच साजिशां बारे चर्चा विच फस गए हैं पर फिर भी सानू गायकी अते गीतकारी विच मूसेवाल दे योगदान नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसकी मौत तो बाद कुछ पत्रकारों ने मूसेवाल की तुलना अंतरराष्ट्रीय पद्धर से स्थाई महान मशहूर संगीतकारों नाल की जिन्हें जिमें कि ब्रायन जोन्स जिमी रेंड्रिक्स जेनिस जोपलिन जिम मॉरिसन कर्ट कोबेन रॉबर्ट जॉनसन इस तरह के ना जाने होर किन्ने नाम से जिहड़े मीडिया च उछल रहे जिन्होंने अपने 30वें जन्मदिन तो पहला मर गए जां हत्या कर दी गई पर यह वर्गीकरण व्यंगात्मक या तर्कहीन है क्योंकि यह दसदा है कि ज़्यादातर पंजाबियों ने 1980 के दहाके विच पंजाबी संगीत नूं मुड़ परिभाषित करन दी प्रक्रिया शुरू करने वाले गायक गीतकार अमर सिंह चमकीला नूं भुला दिता है जदों 1988 विच उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई सी। उस समय सब तो मशहूर पंजाबी गायक
चमकीला ही सी अते मूसेवाल जिनी उम्र दा ही उसकी जदों मौत हुई सी। चमकीला कतल का भेद हजे तक नहीं खुल सकिया, हालांकि सिख खाड़ के उन्हें दोषी ठहराया गया क्योंकि उस समय खालिस्तान की लहर सरगम सी, इसलिए उसकी मौत नूं उसके कतल नूं एक खालिस्तान की लहर नाल जोड़न की भी कोशिश की गई सी। मूसेवाल का कतल स्पष्ट तौर पर जांचधीन है, उसकी जांच बहुत तेजी नाल चल रही है, पर कितों तक तेजी नाल रहेगी? लोग कुछ समय पाउण तों बाद उस कतल नूं भुल जांदे ने, याद रखते हैं, समा ही दसेगा। हालांकि पंजाब विच पिछले 50 सालों विच किसी भी महान हस्ती के अंतम संस्कार से इस तों वध भीड़ कदी इकट्ठी नहीं वेखी गई। उसकी गायकी ने खेतर अते भाषा नूं पार किया, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर दिते सी। गायकी सिर्फ उसकी खेतर का पंजाब तक ही सीमित नहीं सी, जिसनों उसनों भारत अते पाकिस्तान विच पंजाबियों के नाल नाल कनेडा विच गोरिया अते काले लोगों विच भी प्रसिद्धि मिली। इसलिए भी उसकी शायरी अते गायकी नूं पंजाब दे सभ्याचार अते इतिहास संदर्भ विच रखण दी लोड़ है। इतिहास विच इसनूं बहुत जरूरी रखण दी लोड़ है। प्रसिद्ध कवितावां खास तौर पर जनतक तौर पर गाए जाने वाले गीतों की पंजाबी सभ्याचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मूसेवाल की कार्यशैली उसकी लेखनी विचारन तो पहले सानू अपनी साड़ी पंजाबी बोली च की पहलो सुमेल से, किस तरह के गाए गाने गाए जाते, उसका बनतर समझनी भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के मूल की जुए के आधारित इतिहासकार फरीना मीर इसका कारण काल्पनिक रोमांटिक गीत दस दी है। अपने गीतों में ज़्यादातर काल्पनिक रोमांटिक गीत मशहूर हैं जो कि किस्से वजो जाने जाते, जिसे कि किस्से मशहूर ने उन्होंने जो रोमांटिक गल्लां बनिया ने उन्होंने गीत बनाए गए हैं। अते पंजाब दे इतिहास ते सभ्याचार दी एक जरूरी विशेषता हन। वह दसदी है कि पंजाब ने अपने प्रसिद्ध इतिहासकार बरतांत, जिहड़े कि इतिहासकार ने चार बागे पंजाब विच गणेश दास ने सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबां ते हीर रांझे दे किस्सियां दा वर्णन करन लई एक तिहाई थां दिंदा है। जिहड़े अपनी किताब लिखी उह 'च घट्टो घट्ट एक तिहाई इन्हां सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबां ते हीर रांझे दे किस्सियां दे उत्ते रख्या सी। जिवें कि मीर कहिंदी है, एक काल्पनिक बिरतांत रोमांटिक कहानी कथन तो परे महत्वपूर्ण है अते पंजाब दे इतिहास का हिस्सा हन। मैं भी दलील दवांगा कि रोमांटिक गथावां सानू समकाली समाज के पुनर्गठन विच भी मदद करदी हन। इस तों इलावा यह अलंकारां दा एक महत्वपूर्ण स्रोत हन जो पंजाबी सभ्याचार नूं दर्शाउंदे हन। यह रूपक अतीत विच नहीं सगों अज भी पंजाब विच सभ्याचारक अते समाजिक परंपरावां विचों प्रासंगिक बने हुए हैं। पंजाब दे दो परिभाषित गीत जो इसके सभ्याचारक चित्र नूं दर्शाउंदे हन, हीर रांझा अते मिर्जा साहिबा हन। उन्हां दे रोमांटिक विशिआं नूं उन्हां नूं बहुत मशहूर बनाया है, पर उन्हां विच होर भी कई तत् सांझे हन। दोवें पंजाब विच आधारित हन अते उन्हां दे मुख पात्र जट अते मुसलमान जाति नाल संबंधित हन। हालांकि दोनों गीतों में नायक अपने प्यारे का दावा करने बहुत वक्रे तरीके चुनते हैं, जदों कि रांझा अपने आप को एक हिंदू जोगी के रूप में पेश बनाता है अते मिर्जा अपने टीचे को प्राप्त करने लिए बहादुरी के राह पर चलन का फैसला करता है। हीर रांझा अते मिर्जा साहिबां दे बहुत सारे संस्करण हैं, बहुत सारे इन्होंने कहानियां लिखी गई, पर वारिस शाह दी हीर अते मिर्जा का पात्र जो कि शुरू में पीलू द्वारा लिखा जाता है सब तो वध प्रसिद्ध हैं। गीतों के दो सब तो मशहूर संस्करण एक होर विशेषतावान साझा करते हैं। उन्होंने सारे पात्र एक दुखदाई अंत को पूरा करते हैं। असल हीर रांझे का मान दमोदर गुलाटी को दिता गया जो कि बाद वारिस शाह दुबारा लिखिया अते सुखद अंत को दुखांत में बदल देता है। जदों कि हीर अते रांझे दी हीर दे चाचे दी चालां कारण मौत हो गई सी अते मिर्जा साहिबा की मौत साहिबा के भरावां के हथों एक हिंसक मौत हुई सी। दोवें गीत पंजाबी सभ्याचारक विच एक विरोध पास दर्शाते हैं। पंजाबी समाज में रोमांस की व्यापक धारणा यह है कि मौजूदा नियमों के विरोध है, विद्रोह है, तो इसलिए वडियाई के योग नहीं है। हालांकि रोमांस औरत के परिवार से शर्म की भावना भी थोपता है, इसनों अपनी इज्जत बचाने लिए कार्रवाई करने प्रेरित करता, भाव ऑनर किलिंग भी ये प्रेरित करता है। इस तो अगे हीर रांझा
ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਬਾਲਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਨਾਥ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ, ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਉਨਾ ਮੋੜ ਦਾ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਅਤੇ ਜਿਉਨਾ ਮੋੜ ਮਾਨਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਰਥ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮਾਨ, ਕੌਰਲਾ ਮਾਨ, ਸਿੰਘਾ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਲਾਡੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹਨ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਪਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਫੋਲੋ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਟੋਚਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਧੁਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਰਜ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸਨ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਵਿਸ਼ਰੀ 'ਚ ਲੰਬੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 15 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਰੈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਯੋਧਾ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉਸ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨਤਮ ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਰੈਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਸਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ, ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ
मूसेवाल ने पंजाब के सभ्याचारक विरसे का भरपूर सुमेल किया। पेंडू शब्दावली नू मालवा बोली दी शोर नाल जोड़ के उसने गीतां नू नवैकलापन प्रदान किया। वह अक्सर अलंकारा अते प्रतीकों की वरतों करता सी अते कई बार उसकी गलत व्याख्या ते आलोचना भी की जाती सी। उसनू समझन की कोशिश नहीं की जा रही सी। एक गीत जिस विच एक सत्कारयोग सिख इतिहासक हस्ती माई भागो का जिक्र है नू एक वर्चुअल पाबंदी का भी सामना करना पाया। इस विच उसने संचार करन की कोशिश की, यह प्रचार करने की कोशिश की, लोगों को आधुनिक पंजाबी कुड़ियों के रूप में नहीं जाना चाहिए सगो उन्होंने भाव उन्हों की भावना में माई भागो को देखना चाहिए। औरतों के एक होर गीत विच एक जवान अते बहादुर कुड़ी को दिखाया गया जो कि जीवना मोड़ की वर्गी सी। उसने अपनी माँ बारे गीत लिखा, उसने एक रुझान ही बदल दिता। बहुत सारे गायकों ने भी उसकी नकल करने की कोशिश की। उसका गीत 295 राजनीति धर्म की राजनीति और मीडिया की एक महत्वपूर्ण आलोचना सी। वह गीत विच लिखता है, हर रोज़ एक नवा विवाद पैदा होता है, धर्म के नाम उत्ते बहस होती है, पर जेकर तुसी सच बोलते हो तो 295 IPC भाव जो कि किसी पूजा स्थान का अपमान करने वाले धारा लगती है उसका जिक्र करता तो तहत गिरफ्तार किया जाएगा। जे तुसी जिंदगी चंगा काम करते हो तो लोग तुहानू नफरत करनगे। जदों असीं मूसेवाल नूं एक रचनात्मक गीतकार अते गायकी वजो परखदे हां तां उह एक रुझान सैटर वजो उभरदा है। उसने एक वक्री ही लीक तोड़ती जो जीवन प्रति आम पंजाबी पहुँच दी छोह नाल आसावादी पेश करदा है। उसके वीडियोज विच बंदूकां दी विशेषता है, पर यह कोई नवी गल नहीं सी। बॉलीवुड के फिल्मों के पोस्टरों तो शुरू तो ही योद्धियां दीआं वार वीर गथावां तक भारतीय सभ्याचार युद्ध अते कतलाम के विस्तृत वर्णन भरया होया। जे तुसीं इतिहास खोलोगे इस तरह की हथियारां नाल भरपूर समग्री तुहानूं सारियां कहानियां मिल जांदियां। मूसेवाल पंजाबी परंपरा का एक हिस्सा सी जिस विच एक प्रेमी अते योधा रचनात्मक तौर पर सुमेल करन की कोशिश की सी, पर क्योंकि उसने अपने संगीत विच अपने आप नूं एक प्रेमी लड़के वजो पेश नहीं किया तो उसने मिर्जा भी एक प्रेमी वजो पेश नहीं किया। फिर जो मिर्जे का अक्स बचा सी, फिर उसने किस तरह के मिर्जे को पेश किया, वह समाजिक डाकुओं के परंपरा वाला मिर्जा पेश किया जिस विच डाकू उच्च नैतिक आधार नूं बरकरार रखते हैं। सानू मूसेवाल के कुछ गीतों अजिहे चित्र मिलता है। अंत विच उसकी लेखनी विच आसावाद की छोह के नाल बहादुरी ते दलेरी की उसकी आम पंजाबी परंपरा का सुमेल सी। सब कुछ ठीक हो जाएगा जे तुसीं कोशिश करते रहोगे, पंजाब विच छेती ही होर कोई मूसेवाल नहीं आएगा। सो एक भावपिनी सरदारजली सी सिद्धू मूसेवाल नूं। ये चैनल नूं जे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन जोड़ दबो ता जो इस तरह की कोई होर वीडियो मैं सांझी करा तो तुहानूं समय सिर उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।